तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पहाड़ी परिंदे आई ना, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज बहुत सुबह मॉर्निंग में 6:30 हो रहे हैं और हम आए हैं वॉक करने। तो ये तो आज सूरज पश्चिम से ही उग गया। अब आपसे मिलूंगी, मैं तो सर इन्फॉर्म कर दूँ बस। कबूतर कबूतर देखो, ये तो ब्लॉग में डालेंगे। उड़ ही नहीं रहे, मैं उड़ने का वेट कर रही हूँ, उड़ने का वेट कर रही हूँ। उड़े तो सारे पेड़ों में बैठे हैं ना। तो गाइस आज तो मैंने कमाल ही कर दिया और मैं इतना लेट सोई थी, मतलब लेट नहीं, कल से तो जल्दी सोई थी, 1 या 1:30 बज रहा होगा शायद, सो गई थी और मैं 6 बजे उठ गई। आज हम पार्क गए, हमने एक्सरसाइज की, हमने वॉक किया और फिर आते टाइम हमने करेले का जूस पिया। हाय हाय, इतना कड़वा था ना वो, मुझे उल्टी आने वाली थी। और आके मैंने नहा भी लिया है, अब मैं शिव पुराण पढ़ूंगी और उसके बाद घर की थोड़ी साफ सफाई क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि नहाया इसलिए ना क्योंकि पसीना पसीना हो गया था एक्सरसाइज, फिर मैं ऐसे बिस्तर में बैठूंगी तो मुझे अच्छा सा लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने पहले नहा दिया। थोड़ी देर पढ़ूंगी और अभी तो 9 बज रहे हैं आज, तो मैंने 9 बजे तक इतना गजब कर दिया, मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है आज, ज्यादा हो गया थोड़ा। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। छत पे मोर आया। तो गाइस मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ घर और इनको मैंने अभी पिंजरे से बाहर निकाला है कि मैं ये देखना चाहती थी कि ये उड़ रहे हैं खा रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि पानी वगैरह तो आज इन्होंने पिया है बट ये अभी उड़ रहे हैं, प्रॉपर उड़ रहे हैं। आज वैसे मैंने सोचा था मैं इनको यहाँ रिलीज़ कर दूँगी, उड़ा दूँगी, बट मैंने उड़ाया इसलिए नहीं, आँख में तो अभी भी इसके ठीक नहीं हुआ क्योंकि बट ये कुछ फुंसी टाइप की इसको हो रही है। अब उड़ाया तो नहीं है मैंने इनको, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज बारिश भी बहुत हो गई थी तो मुझे लगा बेचारे बारिश में भीग जाएंगे। और ये बहुत बड़े नहीं है, कबूतर है ना, इसलिए कबूतर के बच्चे तो लग रहा है कि बड़े हैं बट ये हैं छोटे कबूतर, छोटे बच्चे हैं ये, तो इसलिए मैं इनको अभी रहने देती हूँ आज के लिए। ये ऊपर ऊपर चले गए क्योंकि पिंजरे में इनका दम घुट रहा है क्योंकि ये बाहर उड़ने वाले पक्षी हैं। देख अगर कल धूप हो, बाबा ये देखो ये नहीं उड़ पा रहे प्रॉपर, नहीं उड़ पा रहे, वहाँ चला गया बेटा यहाँ से। अरे वो ऊपर चले गई गलती से। कोई बात नहीं ना, रहने दो अभी।
तो गाइस रात के 12 बजने वाले हैं और मैं थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रही थी और कल मैं 1:30 या 2 बजे सोई थी और सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, यानी कि 4 साढ़े 4 घंटे मुश्किल से सोई थी। और तो अब मैं व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, और एंड करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाह रही थी, वेट, वैसे मैं इसको नहीं दिखाना चाह रही थी, ये बीच में आ गई। दोस्तों मुझे लग रहा है जो मैं दिखाने वाली हूँ आपको उसके बाद आप मेरी भावनाओं को समझोगे। मुझे लग रहा है कि सारे घर में रहेंगे और मैं बाहर गेट के बाहर, मैंने अरायना को बोला एक कंबल दे दे, मैं बाहर सो जाती हूँ। दो तो एक कबूतर पकड़ के लाई हूँ, सिर दर्द नहीं खा रहे, नहीं पानी पी रहे हैं, इन्होंने मेरे को दुखी करा हुआ है, पानी दे रही हूँ गिरा दे रहे हैं, खाना दे रही हूँ नीचे गिरा दे रहे हैं, बाहर निकाला तो ऊपर पोटियाँ ही पोटियाँ कर रहे हैं सब जगह। सबसे अच्छी मेरी लूसी और चेरी सो रही है। अब ये दो कम थे गली के कुत्ते को भी उठा लाई ये वैसे पिचकारी है, ये बहुत अच्छी है, वैसे मैं इसको अंदर तो नहीं सुलाती, मैं बाहर ही गेट के बाहर मैंने इसके लिए बिछाया हुआ है जहाँ की ऊपर से ओस ना पड़े और उसको वहीं पे उड़ा भी देती हूँ। लेकिन आज ना दोस्तों बहुत बारिश हो रही है बाहर, और बारिश हो रही है तो थोड़े इधर तक आ रही है, भीग रही है। आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर हम लोग बाहर खड़े हो जाएं छाता लेके तब भी नहीं रह पाएंगे तो ये बेचारे कैसे रहते होंगे। तो मैं इसको ना जिस दिन बारिश होती है उस दिन अंदर ले आती हूँ, और उसके अंदर वो सारे तूफान हैं, और आज बारिश है तो जूते भी अंदर रखने पड़े साइड में। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, नहीं मैं कहाँ जाऊँ। दो तो हमारे पास कमरे हैं, उस एक कमरे में ये कुत्ता, ये चिड़िया, ये चिड़िया, ये कबूतर, ये क्या बोल रही थी? ये अरायना घर की मालकिन। और आप कौन हो? कौन हूँ मैं, कौन हूँ? तो दोस्तों आप बची कुची मैं, मेरे लिए इस कुर्सी में ही जगह बच गई है और आगे कबूतर ने ऊपर से इतनी ज्यादा पॉटी करी सीट पर, क्योंकि बेड मैं घेर के बैठी हूँ इसलिए इनके लिए सिर्फ इधर ही जगह है। तो दोस्तों आज जो भी व्लॉग है इतने में आप खुश रहे, देखिए मैं कितनी मुश्किलों का सामना करके व्लॉग बनाती, मेरे लिए घर में जगह ही नहीं है, बताओ कहीं चिड़िया कबूतर सब चीज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आज मेरा ये मेरी ये दुख भरी दास्तान अगर आपको पसंद आई हो ज्यादा ओवर नहीं हो रहा इनका थोड़ा तो प्लीज, नहीं ऐसे इमोशनल करना पड़ता है ना इसलिए। दोस्तों इमोशनल हो गए ना आप, हो गए पता चले गुस्से से अनसब्सक्राइब कर दो। नहीं, एक तो आप लोग शेयर नहीं करते, चुपचाप ना शेयर करा करो वीडियो को, हाँ डरा के डंडा दिखा के डंडा नहीं है ट्राइपॉड है। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे कल, टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं मैं क्या कर सकती।